लॉकडाउन में एसडीएम वर्मा के कड़े तेवर। मुकद्दर का सिकंदर होटल बंद कर संचालक धड़ल्ले से बेच रहा था नमकीन व कचौरी। एसडीएम वर्मा ने विभागीय अधिकारियों सहित दी दबिश। नगर में बंद शराब दुकानों में पीछे से बेची जा रही शराब पर आबकारी विभाग को जगाएंगे एसडीएम वर्मा। कोरोना काल में जनता कर्फ्यू के चलते सभी व्यापार व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें कोई भी व्यापारी दुकानदार अपनी दुकान शटर खोलकर व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन गरुड़ में ऐसे भी व्यापारी मौजूद हैं जो आगे अपनी दुकान का शटर गिराकर पीछे के दरवाजे से धड़ल्ले से खाद्य सामग्री, नमकीन, समोसे, कचौरी व मिठाई बेच रहे थे। जब इसकी सूचना एसडीएम आरपी वर्मा को मिली तो उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए संयुक्त टीम गठित कर, जिसमें तहसीलदार पंकज जाट, थाना प्रभारी शिवांशु मालवी, सीएमओ पवन कुमार कुल फकीर, खाद्य अधिकारी आराधना खड़िया, कस्बा पटवारी मासी को साथ लेकर गरुड़ नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित मुकद्दर का सिकंदर होटल पर दबिश दी। वहां पर होटल का शटर बंद होने और चाबी घर पर होने की बात होटल संचालक द्वारा कही गई। तब एसडीएम आरपी वर्मा ने पास गली में जाकर देखा तो पीछे के दरवाजे को खुलवाया। अंदर नमकीन, समोसे, कचौरी व गुलाब जामुन और अन्य खाद्य सामग्री नजर आई। और इसी के साथ सामने एक कमरा जो कि किराए से होटल संचालक द्वारा लिया गया था, वहां पर भी घरेलू गैस के साथ कचौरी बनाने का सामान पड़ा मिला। एसडीएम वर्मा की उपस्थिति में होटल की समस्त खाद्य सामग्री एवं घरेलू टंकी को जब्त किया गया। खाद्य सामग्री का विनष्टीकरण करने की बजाय कोविड 19 सेंटर में भर्ती मरीजों एवं परिजनों के लिए भिजवा दिया गया है। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं मेरे साथ मेरे थाना प्रभारी शिवांशु जी, सीएमओ साहब पवन जी और विनोद पंकज जी, जाट तहसीलदार साहब मौजूद हैं, पटवारी साहब हैं, सारे हमारे साथी जो टीम है वो हैं। मुझे सूचना मिली सिकंदर ये सामने दुकान है, तो इनके एक जासूस तो उस गली की तरफ रहते हैं ताकि कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी नज़र आए तो फटाक से शटर बंद हो जाए। मेन शटर बंद है, अभी भी बंद है, आप देख रहे हैं। और इन्होंने बताया कि साहब इन मेन शटर की चाबी घर पर है, तो वो जो साइड वाला शटर है वो हमने खुलवाया। एक और इन्होंने जहाँ माल बनता था, एक व्यक्ति से इन्होंने पास नहीं किराए से लिया, वहाँ पर भट्टी, गैस की, घरेलू गैस की टंकी, कचौरी बनाने के लिए जो मसाला होता है वो, तैयार माल, ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं वहाँ पर, आपने भी देखी है। और इतना स्टॉक इनका, सेव, नमकीन, काठिए, मिठाई, गुलाब जामुन, इतना मिला है जो आपके सामने है। यानी कोरोना काल में यदि एक दुकानदार इतना सब कुछ कर सकता है तो दूसरे दुकानदारों ने क्या बिगाड़ा। ऐसी स्थिति में हमें निश्चित रूप से कार्रवाई की आवश्यकता थी। दो तीन दिन से मुझे लगातार खबर मिल रही थी और उसके बाद हम यहाँ आए, हमने शिवांशु जी से बात की, तत्काल आकर हमने जो छापा मारा तो आपने देखा है कितना माल मटेरियल जब्त हुआ है, और इसमें धारा 188 और आपदा प्रबंधन की धारा में कार्रवाई की जा रही है। घरेलू गैस की टंकी ये लगाना भी अपने आप में एक अपराध है, हमने खुद इंस्पेक्टर को बुलाया है, उसमें वो कार्रवाई करेगी। सर कितना माल होगा? माल लगभग मैं अंदाज से बता सकता हूँ कि 25 किलो से 50 किलो के आसपास तो नमकीन ही है, बाकी और दूसरा जो माल है वो उसकी क्वांटिटी अलग है। विनष्टीकरण किया है? नहीं, खाद्य पदार्थ का विनष्टीकरण ठीक नहीं है। हम कोविड सेंटर पर हमारे ड्यूटी पर लगे हुए लोग हैं, इसी तरह और भी जो हमारे मरीज हैं उनके अटेंडर्स है, तो ये ताज़ा माल है, एकदम ताज़ा, गुलाब जामुन भी, ये सभी चीज़ें ताज़ा है, तो ये हम उन्हें देंगे। ये लोग लगभग 4-5 बजे से शुरू करते थे तो रात तक इनका काम चल रहा है। इसी के साथ मीडिया कर्मियों द्वारा एसडीएम वर्मा के समक्ष गरुड़ में बंद शराब की दुकानों पर ऊंचे दाम पर ठेकेदार द्वारा शराब पीछे के दरवाजे से बेचे जाने और कुंभकर्णी नींद में सो रहे आबकारी विभाग के बारे में बताया गया, तो एसडीएम आरपी वर्मा ने कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, मैं तुरंत अभी इसी प्रकार की कार्रवाई आबकारी विभाग को साथ लेकर करवाता हूँ। लॉकडाउन में समस्त नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है, ना मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कितने बेची जा रही है शराब, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अभी जस्ट आप ही के साथियों ने मुझे बताया, हम कार्रवाई इसी तरह की उस पर भी करेंगे और उन्हीं के विभाग के अधिकारियों से कराऊंगा। करोट संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।